हेलो गाइस, वेलकम बैक टू किंग ऑफ गेमिंग चैनल। और आज अपन लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रोप ईयर ऑफ वाइस टाउन। और अभी अपने वाइस टाउन में इतने अवेंजर्स आ चुके, इतने अवेंजर्स कि आप भी ना सोच के पागल हो जाए कि इतने अवेंजर्स सिर्फ रोप हीरो से मिलने वाइस टाउन में आए थे। अपने अभी तक वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना। तो गाइस आज आप समझ गए होंगे हमारे वाइस टाउन में कौन आने वाला है। हाँ गाइस, हमारे वाइस टाउन में आने वाला है गोस्ट राइडर हमसे मिलने के लिए पहली बार। आज तक मैं ना उससे मिला हूँ, ना उसको मैंने देखा है, ना मैंने उससे बात की है। तो आप समझ रहे होंगे गोस्ट राइडर क्यों पहली बार, मतलब कि गाइस आपने देखा होगा, आपको तो पता होगा थैनोस को मैंने ख़त्म कर दिया था, मतलब कि थैनोस को उसकी सिटी में मैंने भेज दिया था। वो तो मैंने इस वीडियो वो एक वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया, अभी तक आप नहीं देखी तो देख लेना। थैनोस को मैंने पकड़ लिया था और थैनोस वहाँ से भाग चुका था। थैनोस को मैंने इतना घायल कर दिया था कि थैनोस की सारी शक्ति कम हो चुकी थी और इसकी वजह से बैटमैन और सारे एवेंजर्स ने मिलके उस थैनोस को ना उसकी सिटी में बंद कर दिया था। और थैनोस की गिरफ्त में था गोस्ट राइडर, और गोस्ट राइडर जैसे ही थैनोस कैद हो चुका था और गोस्ट राइडर वहाँ से भाग, मतलब कि गोस्ट राइडर बच चुका था, और उसकी वजह से गोस्ट राइडर हमें मतलब कि विश करना थैंक यू कहने के लिए आ रहा है। वैसे भी वो मिलना चाहता है ये खड़े हुए हमारे टिप्सन दादा। तो गाइस वीडियो एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और वीडियो का ना लाइक ज़रूर से कर देना। और आपको मैं सीधे सीधे बताता हूँ टिप्सन दादा को मैंने कैसे जिंदा किया है। मैं ना उसकी वीडियो ने इसी वीडियो में बता देता हूँ। टिप्सन दादा को जिंदा करने के लिए बैटमैन ने हमारी मदद की है। एक वीडियो आई है उसमें ना बैटमैन वाइस टाउन में आया था। और गाइस बैटमैन वाइस टाउन में आया था, अभी तक आपने नहीं देखी तो देख लेना। बैटमैन ने हमें मदद की है, बैटमैन ने क्या काला जादू कुछ किया है और उसके बाद बैटमैन ने हमारी मदद की है इस तरह से। तो कैसे टिप्सन दादा, क्या हाल चाल, वाइस टाउन में गोस्ट राइडर आने वाले, आप मिलोगे उससे? गोस्ट राइडर वो भी वाइस टाउन में रॉप हीरो, तू सही बोल रहा है ना? और तू गोस्ट राइडर से मिल सकता है मगर मैं नहीं। मैं तो गोस्ट राइडर से मिलूंगा ही। गोस्ट राइडर को कह देना कि वो तुझसे मिलने के बाद मेरे से भी मिले। ठीक है टिप्सन दादा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है आप मिल लेना उससे। अरे ये बंदा क्यों मुझे मारा है? तो गाइस आप भी ना वीडियो के एंड तक देखना और वीडियो के ना पूरे मजे लेना, क्योंकि गोस्ट राइडर आने के बाद क्या होता है आपको भी पता चलेगा। गोस्ट राइडर कैसा दिखता है आपको तो पता होगा। आप वाइस टाउन में भी गोस्ट राइडर का नज़ारा देख लो। अभी मैं ये बंदे को मारता हूँ और इसकी कार ले जाता हूँ, और वो गोस्ट राइडर ना मेरे से मेरे ही घर पे मिलने आ रहा है। तो गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। तो अभी मैं ये गाड़ी में बैठता हूँ, ये तो टपक गया। अभी मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और जाता हूँ गोस्ट राइडर मतलब कि मेरे घर पे, और वेट करते हैं गोस्ट राइडर का वेट करते हैं। और गाइस आप ये जाने के लिए एंड तक ना ज़रूर देखना। और अभी मैं जाता हूँ गोस्ट राइडर के मतलब कि मेरे ही घर में। अभी पुलिस का स्टार पड़ा हुआ है, लगता है गोस्ट राइडर ना आ चुका है। और गोस्ट राइडर आने पर ना इतनी गर्मी होती है, सारे वाइस टाउन ना गर्म हो जाता है। आप सोच रहे होंगे अरे ये तो सिर्फ गोस्ट राइडर आने पर ऐसा नहीं होता है, मगर हाँ गाइस गोस्ट राइडर की बाइक और गोस्ट राइडर आने पर वाइस टाउन में पूरी गर्मी आती है। अभी मैं काम करता हूँ, अरे गिरा दिया, ये लैम्बोर्गिनी लेता हूँ, ये लैम्बोर्गिनी है इसको मैं लेता हूँ। वो बहुत धीरे धीरे से चल रही थी, मैं ये लैम्बोर्गिनी को लेता हूँ। इसके अंदर वाला बंदा तो मर चुका है, अभी मैं लेता हूँ और जाता हूँ मेरे घर के पास, और वहाँ पे वेट करते हैं अपन लोग। गोस्ट राइडर ने कहा है कि वो हमारी घर की छत पे आएगा, तो अभी अपन लोग चलते हैं अपने घर की छत पे। पुलिस वाले को पता चल गया है गोस्ट राइडर हमसे मिलने आ रहा है, तो इसकी वजह से ये हमें भी मार रहे। गोस्ट राइडर को गुस्सा आ गया ना, ये गोस्ट राइडर ना पुलिसों को भी ख़त्म कर देगा और पुलिस का बन जाएगा स्केलेटन, वो भी गोस्ट स्केलेटन मतलब कि ना पूरा फायर स्केलेटन। तो अभी मैं यहाँ से जाता हूँ। अरे एक मिनट, ये टैक्सी हमारे पीछे क्यों आ रही है? अरे ये मेरा घर है तुम्हारा नहीं। एक मिनट, ये तो हमारे किराएदार तो नहीं होते, मतलब कि ये तो हमारे यहाँ किराए पे भी नहीं रहते, फिर ये यहाँ कैसे घुसे? इनको ना मारना पड़ेगा, मतलब कि ना पूरे को टपकाना पड़ेगा। तो अभी मैं उतरता हूँ और इनको ना अभी टपका देता हूँ। अभी तुम लोग भागते कहाँ? आज तो तुम गए, ये बंदा तो गया। अभी वो बंदा जिंदा है क्या? अरे जिंदा है, और ये भी गया। तो गाइस अभी अपन लोग चाहते ऊपर वाली छत पे,
जाके घोस्ट राइडर का वेट करते और देखते हैं घोस्ट राइडर आता है क्या नहीं। तो अभी मैं यहाँ थोड़ा वेट करता हूँ घोस्ट राइडर का। घोस्ट राइडर आने पे ना आपको मैं मिलता हूँ। तो जब तक आप वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी मिलते हैं घोस्ट राइडर आने पर। The next day. तो गाइस इतना वेट करने के बाद फाइनली घोस्ट राइडर हमारे सामने। ये देखो गाइस, ये रहा घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर कैसा है मेरे को देख के ना मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है और साथ में साथ थोड़ा डर भी और बहुत गर्मी भी हो रही है। रो पी रो के तो पसीने छूट रहे। पहली बार मैं तुझसे मिल रहा हूँ। पहले तो मैं तुझे टीवी में देखता था, मेरी घर वाली टीवी में, और आज मैं तुझे असली में देख रहा हूँ। अरे रो पी रो, मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। मैं भी लोगों के मुंह से सुनता था तुम्हारा नाम और आज तुम्हें असली में देख लिया। और तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं ना कैद खाने में पड़ा होता। अरे घोस्ट राइडर थैंक यू कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम आए किस पे हो? तुम्हारी बाइक नहीं है क्या? ऊपर तुम्हारी छत पे देखो। अच्छा छत पे, वैसे मैं जा ही रहा था, अभी देखता हूँ। भाई साहब क्या ही बाइक है ये, घोस्ट वाली बाइक। इसमें से तो बहुत ज्यादा आंच आग निकल रही है। मेरे को ना बहुत ही गर्मी हो रही। एक मिनट, ये रॉबर्ट वाली मक्खी यहाँ क्यों आ रही है? पता नहीं ये मक्खी का क्या हो गया, मगर वो बहुत ही गर्मी हो रही है। मैं ना पहले नीचे उतरता हूँ, वरना मैं ना यहाँ मेरा ना यहाँ पकौड़ा बन जाएगा। अभी मैं नीचे उतरता हूँ और नीचे उतर के पूछता हूँ घोस्ट राइडर से, ये मक्खी का यहाँ क्या मतलब क्यों है मक्खी? और पूछता हूँ ऐसे ही मारते। अरे घोस्ट राइडर, ये मक्खी तेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? तूने क्या कर दिया? अरे रोपीरो, दरअसल मैंने ना वाइट स्टोन में आते ही धूम मचा दी थी, मतलब कि मेरी बाइक और मैंने सारी गाड़ियाँ फूट चुके थे आग लग के, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। रोपीरो मेरे को ना अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना वाइट स्टोन की पुलिस ठंडी होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा। फिर एक दो हफ्ते के बाद अपन लोग पार्टी भी करेंगे साथ में। अच्छा इसकी वजह से वाइट स्टोन की इतनी सारी पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। ठीक है घोस्ट राइडर, बाय बाय, अपना ख्याल रख लेना, फिर आना। ओके बाय बाय रोपीरो, फिर मिलेंगे। तो गाइस घोस्ट राइडर तो चला गया और आपको पता चल गया होगा घोस्ट राइडर आ भी चुका है। और आपने अभी तक वीडियो देखी है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से कर देना। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में तो बता देना। कमेंट में नहीं बताते हो, कमेंट में बताना आपको ये घोस्ट राइडर वाली कैसी लगी वीडियो। और अब तक आपने वो थानोस वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, इससे पहले ही मैंने डाल दिए। तो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पे नए तो किंग ऑफ गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आए। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक लिए बाय बाय, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।